हेलो बच्चों, आज हम लोग रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोगों ने की पढ़ा था की के जस्ट बाद जो आता है या इंटीग्रिटी रूल, जो स्पेशली ये जो रिलेशनल डाटा मॉडल होता है, एकदम आराम से सुनेंगे, देखेंगे, एक एक चीज को मैं दिखाऊंगा और मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी रहेगा। और डीबीएमएस में डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। इंटीग्रिटी रूल, इंटीग्रिटी मींस होता है क्या चीज, जोड़ना। जैसे दो वर्ड होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। इंटीग्रिटी रूल कहने का मतलब क्या है कि वह रूल जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से डाटाबेस को पूरा कंसिस्टेंट रखता है, इसके अंदर जो भी चेंजेज होता है उसको मेंटेन करता है, डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, उसको हम इंटीग्रिटी रूल कहते हैं। इंटीग्रिटी रूल के अंदर देखेंगे, इंटीग्रिटी रूल्स इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली डिफाइन द सेट ऑफ कंसिस्टेंट डाटाबेस स्टेट्स और चेंजेज ऑफ स्टेट और बोथ, ऑल डाटा आइटम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली हमारा डाटा बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए इंटीग्रिटी रूल लगाया जाता है। तो यह एक्चुअली इंटीग्रिटी रूल होता क्या है, एक तो हमने समझ गया कि यह हमारे डाटा को एक सूत्र में बांध के रखता है, इकट्ठा रखता है, उसके अंदर जो भी डाटा होता है इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी रूल को और थोड़ा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके दो टाइप आते हैं, देखिए, डाटा को इकट्ठा एक सूत्र में बांध कर पूरी तरह से इसकी सुरक्षा और कंसिस्टेंसी को बनाए रखे, इसके लिए दो रूल होते हैं। एक रूल होता है इंटीटी इंटीग्रिटी और दूसरा होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीटी इंटीग्रिटी मतलब क्या कि वह रूल जो इंटीटी से जुड़ा होगा, नाम से स्पष्ट है। रेफरेंशियल मैं पहले ही बता चुका हूं, जो प्राइमरी की होता है वही अगर फॉरेन की बोला जाता है तो उसको रेफरेंशियल की भी बोला जाता है। इसका मतलब इसमें की जरूर शामिल होगा। तो हम लोग देखते हैं दोनों को एक एक करके। इंटीग्रिटी रूल, इंटीग्रिटी रूल क्या होता है, यह रूल क्या जी, प्राइमरी की वैल्यू कैनॉट बी नल। एक्चुअली क्या है, इंटीटी रूल में, इंटीटी इंटीग्रिटी रूल में प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, मैंने प्राइमरी की जो होगा एक्चुअली उसको कुछ ना कुछ जरूर निश्चित रूप से वैल्यू होनी चाहिए और यह यूनिक होनी चाहिए। यह पहले ही पढ़ चुके, प्राइमरी की जो कैंडिडेट की से निकाले जाते हैं और यह यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पे यह रूल को बताता है क्या चीज कि प्राइमरी की अगर हम जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वह प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए और यह यूनिक होनी चाहिए। जैसे इम्प्लाइड टेबल में, आगे आगे मैं बताया हूँ एक्चुअली, जैसे एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं। जैसे एक इम्प्लाइड टेबल है, इसमें इम्प्लाइड टेबल में इम्प्लाई आईडी है। देखो जरा यहाँ पे मैं ये जो आपका 1 2 3 इम्प्लाई आईडी के रो में कलम में जब देखेंगे तो चौथे नंबर पर खाली है। एक्चुअली खाली है, इसका मतलब इम्प्लाई आईडी को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। प्राइमरी की इसलिए कि वह खाली है, नल है, और यह रूल कहता है कि प्राइमरी की जिसको हम बनाए वह खाली नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल, पहला रूल। दूसरा रूल में देखते हैं क्या चीज, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। It states that a foreign key must have a matching primary key or it must be null. ये बताता है क्या चीज कि हमारा जो एक foreign key है, foreign key का जो column होगा यानी जो data होगा वह data हमारे primary key से match होनी चाहिए। जैसा primary key है वैसा ही हमारा foreign key होना चाहिए और नहीं तो खाली रहनी चाहिए। खाली रह सकता है लेकिन कोई ऐसा डुप्लीकेट डाटा हुआ जो मैच नहीं करता हो तो उसको हटा देना होगा। जैसे ये टेबल में देखें, प्राइमरी की में जैसे कंपनी आईडी दिखा रहा है 1 और 2, 1 तो मैच कर रहा लेकिन 2 जो है इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन 15 अवेलेबल है रिलेटेड, जिसमें हम प्राइमरी की को फॉरेन की के रूप में देख रहे हैं, तो 15 को यहां से हटा देना होगा। यह एक्चुअली क्या है कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, इस रूल में क्या है कि प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशन पे यह बेस्ड रूल है, इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और यह निश्चित करता है कि जो रेफर किया जाएगा वह डाटा निश्चित रूप से मिलेगी। एक्चुअली जैसे यहाँ पे देखिए, इस एक और टेबल है यहाँ पे, इस टेबल में देखेंगे तो आर्टिस्ट आईडी दिया हुआ है और उस आर्टिस्ट आईडी में देखेंगे तो 1 2 3 दिया हुआ है। सेकेंड टेबल में, नीचे वाले टेबल में देखेंगे तो नीचे वाले टेबल में जो दिया हुआ है उसमें आपका 4 नहीं है, मैंने 4 ऐसा डाटा है जो यहाँ पे
फालतू में आ गया है, तो यह एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है और यह डाटा ब्रोकर लॉस्ट कर जाएगा। यहाँ पे खाली डाटा चल जाता लेकिन दूसरा डाटा है यह एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये दो रूल मैंने बताया, इंटीग्रिटी रूल और इंटीग्रिटी रूल। अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है एक्सटेंशन एंड इंटेंशन, उसके बाद हम लोग फोर्स रूल पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी रूल में दो बताया हमने, एक बताया हमने एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा बताया अपना, हेलो अपना माइक ऑफ रखो, एक बताया हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी में क्या है कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में है क्या चीज, जैसा प्राइमरी की है वैसा ही फॉरेन की का डाटा होनी चाहिए, और नहीं तो फॉरेन की में खाली रह सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, जैसे किसी भी डाटाबेस को हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टोर करते हैं, तो शुरुआती दौर में जो ओरिजिनल हमारा डाटा होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं वो होता है इंटेंशन। ये परीक्षा में पूछा हुआ है एक्चुअली, और यह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पूछा हुआ है। जैसे हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि टेबल क्रिएट करना है तो उसका एसक्यूएल कमांड लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद क्या होता है कि जो एंटिटी होता है उसके एट्रीब्यूट को लिखते हैं, जैसे नेम हुआ, रोल नंबर हुआ, उसका एड्रेस हुआ, ईमेल आईडी, एज। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, एक तो पहले यह परमानेंट डाटा रहता है और यह रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम के अनुसार है इंडिपेंडेंट, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। नेम है तो नेम रहेगा, इंप्लाई नंबर है तो इंप्लाई नंबर रहेगा। इंप्लाई को एक टेबल, इंप्लाई टेबल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, इंप्लाई इंप्लाई नंबर और इंप्लाई नंबर चार जो दिया है ना, वह इंप्लाई नंबर का साइज दिया होगी, चार डिजिट का यह इंप्लाई नंबर का जो एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू रह सकती है और यह नल नहीं रहेगा। एक और डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे, निश्चित कर दिया गया कि नॉट नल, यह नल नहीं होगा। उसी तरह से इंप्लाई नेम, ई नेम का मतलब है इंप्लाई नेम कैरेक्टर 20, इसका मतलब 20 कैरेक्टर तक के नाम को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एज नंबर, नंबर दो, इसका मतलब है क्या जी, दो एज जो है ना दो डिजिट में जा सकते हैं, तीन डिजिट में बहुत मुश्किल जाता है कि 100 साल कोई जीता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे, और 100 साल का कोई इंप्लाई भी नहीं होगा, इसलिए दो डिजिट दिया गया है कि दो डिजिट तक ले किसी की एज हो सकती है, यह चेंज नहीं होता है। लेकिन यह चेंज नहीं होता तो एक्सटेंशन में देख लो, एक्सटेंशन इसका मतलब चेंज होता होगा। अब समझ जा, इंप्लाई नंबर और ये जो हमने दिया ये इंप्लाई नेम, एज और नंबर, ये एक्चुअली वैल्यू चेंज हो सकती है। जब भी इंप्लाई चेंज होगा तो सारी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे इसे को देखें, एक्सटेंशन क्या होता है, डाटा इन अ डाटाबेस एट अ पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन और डाटाबेस स्टेट और स्नैपशॉट। मतलब क्या जी, एक पार्टिकुलर टाइम पे जो एक वैल्यू कैरी करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलेंगे, और यह टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ इसमें परिवर्तन होता है। मान लो कि किसी कंपनी में बहुत सारे इंप्लाई है, कोई नया आ जाए तो स्वाभाविक है कि डाटा को जोड़ना पड़ेगा। नीचे के एग्जांपल में देखें, किसी एक टाइम T1 पे हमारे इस टेबल का रूपरेखा यह है कि रामू और राजू है, दो इंप्लाई है जिसका एज और डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है और इंप्लाई नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे ही टाइम, मैंने अगले साल कह सकते हो, अगले महीना कह सकते हो, अगले दिन कह सकते हो, टाइम 2 पे इसमें चेंजिंग हो गई, मतलब कि इसमें राजन भी जुड़ गया एक्चुअली, ठीक है, इसमें हट भी सकता है। कहने का मतलब क्या है कि वह डाटा जो टाइम के अनुसार परिवर्तित हो जाए या जिसमें हम चेंजिंग कर सके, अपडेट कर सके, वह होता है हमारा एक्सटेंशन। मेन हम लोग आया कॉर्ट्स रूल, जो कॉर्ट्स रूल स्पेशली क्या है कि जितने भी रिलेशनल टेबल है, एक्चुअली रिलेशनल डाटा मॉडल है, उसमें कॉर्ट्स रूल जो है ना अप्लाई होता है। कॉर्ट्स रूल क्या होता है एक्चुअली, इसको थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कॉर्ट्स रूल यह रूल का एक बंच है, एक ग्रुप है, जिसके द्वारा वो रिलेशनल टेबल पे अप्लाई होता है। अगर इस सारे रूल को कोई भी टेबल, कोई भी डाटाबेस अगर फॉलो कर जाता है, इसका मतलब वो परफेक्ट RDBMS है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को वो फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल या कमर्शियल प्रोडक्ट या डाटा होता है जिसपे इन सारे रूल को लगा कर देखा जाता है कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर
ये कर रहा है, इसका मतलब परफेक्ट है, आरडीबीएमएस है और बहुत ही बेहतर काम करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। तो देखते हैं कोर्स 12 रूल तो कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसमें होता है 13 इसलिए कि जीरो से रूल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है। तो रूल 0 से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2 एंड 12 तक, तब ऑटोमेटिकली 13 होगा। लेकिन बोला जाता है इसको, इसका नाम है कोर्स 12 रूल। यह आईबीएम में काम करते थे, इनका इजर फ्रैंक कॉड इनका नाम था, ईएफ कॉड, एक्चुअली ईएफ कॉड बोला जाता है शॉर्ट कॉड में। और इन्होंने ये जो रूल दिया आईबीएम में काम करते हुए, देखा कि ये जो डाटाबेस है इसको एक फ्रेमवर्क में होनी चाहिए, तो एक बना बनाया एक फ्रेमवर्क दिया कि ये रूल को फॉलो होनी चाहिए। तो सारे डाटाबेस जो है, जो बैकेंड में काम होता था, जो स्टोर किया जाता डाटा को, उसको यह वेरीफाई करके और तब आगे बढ़ा जाता था कि हाँ ये परफेक्ट हो गया। तो इफ आरडीबीएमएस सेटिस्फाइड ऑल दिस 12 रूल्स देन इट गेट्स फुल बेनिफिट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस रिजल्ट, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट होता है तो इसको फ्लो करता है। तो ये 12 रूल है जो देखे यहाँ पे। रूल नंबर जीरो में स्टार्ट होता है हमारा फाउंडेशन रूल। सेकेंड और फर्स्ट का है, जीरो में यह है, वन में इंफॉर्मेशन रूल, दो में ग्रांटेड एक्सेस, तीन में सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, फोर में एक्टिव ऑनलाइन कैटेलॉग, पांच में पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, व्यू ऑपरेशन रूल, रिलेशनल लेवल ऑपरेशन, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, नॉन सबवर्जन रूल। ये एक्चुअली क्या है, 13 रूल का है कि कहीं कहीं देखेंगे इसका नेम चेंज भी होगा, इसलिए उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 13 रूल ही मिलेंगे, बस इसका मीनिंग में भी हो सकता है कि इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग सबका, थीम सबका सेम ही होगा। जैसे हम लोग एक एक करके ये 13 रूल को हम लोग देखेंगे, जिसको हम 12 कोर्स रूल, कोर्स 12 रूल कहते हैं। पहला रूल देखिए, द फाउंडेशन रूल, ए सिस्टम। फाउंडेशन रूल कहने का मतलब क्या है, ये नाम से दिमाग में रखे, एक्चुअली ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो ये क्या है कि द फाउंडेशन रूल क्या है कि फाउंडेशन मतलब आरडीबीएमएस को सटिस्फाइड करने के लिए जो उसका कैपेबिलिटी होता है, जो उसका रूल होता है कि आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस को स्वाभाविक है कि उसको टेबलर फॉर्म में सजाया जाता है, तो वो मैनेज कर सके, उसको सटिस्फाइड कर सके, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन रूल। सेकेंड होता है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि डाटा के रूप में जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो टेबुलर फॉर्म में होता है, और टेबुलर फॉर्म में जब हम डाटा को रखते हैं तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। हमेशा मैं बता रहा हूं कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशली जो मैनेज किया जाता है टेबल के अंदर ही किया जाता है। तो ये सारे जितने भी रूल है एक्चुअली उस टेबल पे ही फॉलो होते हैं और लागू होते हैं एक एक करके। मैं पहले बताया कि आरडीबीएमएस के रूल को फॉलो करेगा, दूसरा में होगा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, ये इंफॉर्मेशन जो हमारा होगा वह टेबलर फॉर्मेट में होगा। ग्रांटेड एक्सेस, ग्रांटेड एक्सेस का मतलब हुआ कि निश्चित रूप से वह एक्सेस किया जा सकता है। कैसे एक्सेस होगा, तो टेबल एक्चुअली क्या होता है, कॉलम हो गया, रो हो गया, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो एक सेल के रूप में हुआ, वो एक आइटम हो गया, वो डाटा हो गया, और वह यूनिक होगा। तो वह जो है ना, और कोई भी यूजर खोजता है तो वह जाकर के सर्च करके और उस डाटा को एक्सेस कर लेता है। तो ये कहा जा सकता है, द रूल रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ टेबल कैन बी टेकन एज ए स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच कॉलम एंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच कॉलम एंड रो देयर विल ओनली वन स्पेसिफिक व्यू ऑफ डाटा आइटम। दिस रूल फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट। मैंने बताया कि रो एंड कॉलम का जो भी इंटरसेक्शन होगा, एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेगा जहां पे एक यूनिक डाटा मिलेगा, जिसको डाटा वो यूजर को, जैसे यूजर को जरूरत होगा वह निश्चित रूप से एक्सेस हो सकता है। तीसरा रूल, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट नल वैल्यू। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट नल वैल्यूज का मतलब क्या है कि यह जो नल वैल्यूज आता है डाटा के अंदर, टेबल के अंदर, और कोई नल वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे डाटा मिसिंग है, डाटा नहीं है एक्चुअली, यह दिखाता है। तो उसको जीरो से दिखाया जाता है, जीरो, नल माने जीरो। डाटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल, डाटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल का मतलब क्या हुआ कि डाटाबेस को डिस्क्राइब किया जाता है, और डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी के अंदर डाटा से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उस सबको जो ना वह डिस्क्राइब करता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस इज स्टोर्ड एंड मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स
This allows to the users to query any information. Data dictionary is responsible for keeping the all information of the database. Comprehensive data sub language. इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे languages का इस्तेमाल होगा जो हमारे डाटा को मैनेज करेगा. इसमें SQL एक आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं. छठा है व्यू अपडेटिंग. व्यू अपडेटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग RDBMS के अंदर जितने भी डाटा को हम लोग अगर चेंजिंग करते हैं उसको RDBMS द्वारा अपडेट कर दिया जाता है. हम इसको देख सकते हैं कि क्या अपडेट हुआ. हाई लेवल अपडेट इंसर्ट एंड डिलीट. एक्चुअली इसमें क्या है, सिर्फ अपडेट ही नहीं बल्कि इंसर्ट करके डिलीट करते हैं तो उस सब डाटा को रिट्राइव किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है जो चेंजिंग होता है और हम उसको देख भी सकते हैं. फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, नाम से देखेंगे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. इसका मतलब क्या चीज, यह फिजिकली डाटा इंडिपेंडेंट होता है. अगर कहीं किसी भी तरह से फिजिकल डाटा में, फिजिकली मैंने स्टोरेज में अगर हम चेंजिंग करते हैं इसके डाटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने सॉफ्टवेयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हम हार्डवेयर को चेंज कर देंगे फिर भी एप्लीकेशन जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ उसमें चेंजिंग नहीं होगा. इफ देयर आर एनी चेंजेस इन टू फिजिकल स्टोरेज डिवाइस देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम. इट मीन दैट फिजिकल चेंजेस कैनॉट अफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. मेरे ख्याल से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करेंगे सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज करने कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लॉजिकली टेबल में कुछ भी चेंज करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग फिर सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा. नहीं, डाटा को हम चेंज कर सकते हैं, लॉजिक बदल सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बोले कोई जरूरी नहीं है, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है. इसलिए लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस भी होता है. द डिस्ट्रीब्यूशन रूल. डिस्ट्रीब्यूशन रूल का मतलब क्या हुआ कि हमारे टेबल के अंदर, हमारे DBMS के अंदर जितने भी डाटा स्टोर होता है एक्चुअली उसको जो ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग कंप्यूटर पे, अलग अलग डिवाइस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक्चुअली. इसलिए बोला था डिस्ट्रीब्यूशन रूल. RDBMS मस्ट हैव डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर्स नेटवर्क. The data or packages which are used in RDBMS must make it possible for the database to distribute it across multiple computers. Even they having heterogeneous or homogeneous platform. Heterogeneous or homogeneous का मतलब हो कि अलग अलग platform हो या same network के अंदर हो, सब पे जो ना distribute किया जा सकता है. 10 नंबर था और यह है 11 नंबर. Non subversion. If the RDBMS support, इसका मतलब क्या है एक बार मैं बता देता हूं. इफ द आरडीबीएस सपोर्ट्स फैसिलिटी फॉर अलाउइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू ऑपरेट ऑन अ रो इन अ टेबल एट अ टाइम देन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अनदर एक्सेसिंग. इट कैन नॉट वर्क फॉर अदर सब वर्जन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. कहने का मतलब क्या है कि किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी इनपुट आउटपुट और इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना का, तो हम एक सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, लेकिन हम जो इस डाटा पे हम ऑपरेट कर रहे हैं यह डाटा दूसरे वर्जन में, अगर इसका एक दूसरा वर्जन आए उस पे यह काम नहीं करेगा, कंपैटिबल नहीं होगा. जैसे मैंने बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में चलता है, इको जो नहीं कि 10 में भी चलेगा, तो वह उसका जो वर्जन आता है उस पर काम नहीं करता. नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है इसका 12, इंटीग्रिटी रूल. इंटीग्रिटी रूल जैसे हमने बताया भी था कि डाटा को एक मैनेज करना, उसको एक दूसरे जोड़ कर रखना, उसमें कंसिस्टेंसी क्रिएट करना और जिससे डाटा हमारा लॉस्ट नहीं हो, उस रूल को बोलते हैं इंटीग्रिटी रूल. इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई रिलेशन अमॉन्ग डाटाबेस टू मैनेज द इंटीग्रेशन बिटवीन मोर देन वन टेबल और प्रोग्राम्स. इट रिक्वायर्ड एन इंटीग्रिटी सेटिस्फेक्शन टू ऑल द रिलेशनशिप अमॉन्ग डाटाबेस. ये मैंने बताया, ये जितने भी डाटाबेस के अंदर जितने भी डाटा होंगे उस सब के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करेगा, दैट इज इंटीग्रिटी रूल. थैंक यू सो मच.